ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान चोर ने लाखों रुपए की नकद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। चोर गोल्डन लोटस गार्डन में शादी समारोह के आयोजन में मेहमान बनकर शामिल हुए थे। मौका देखकर वो जेवरात और 10 लाख नकद रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरह से सामने आया है चोर का, जब रुपयों से भरा बैग ही ले जाते हुए देखा जा रहा है। तो शादी समारोह में चोरी का ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी लगातार इस तरह से मामले अभी सामने आ रहे हैं जब शादी समारोह चलता है और इस बीच चोर सक्रिय हो जाते हैं। तो बिल्कुल अपना ध्यान रखिए और सामान का भी ध्यान रखिए जब शादी समारोह में आप शामिल होने जाते हैं। तो 10 लाख नकद और जेवरात की चोरी का यह अनोखा मामला सामने आया है ग्वालियर से, जब चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो पहले इधर उधर देखता है, उसके बाद धीरे से जाता है सोफे के पास और बैग उठाता है और फिर फरार हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है, चोर का पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बैग उठाता है, पर्स उठाता है। पहले तो वो इधर उधर देखता है, उसके बाद सोफे के पास जाता है जहां रुपयों से भरा बैग रखा हुआ था। शादी समारोह में चोरी का यह अनोखा मामला सामने आया है जब चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पहले इसने इधर उधर देखा, उसके बाद देखिए किस तरह से बड़े शातिराना तरीके से ये बैग उठाता है और उसके बाद रफू चक्कर हो जाता है। ग्वालियर से अनोखी शादी का मामला सामने आया जब 10 लाख नकद और जेवरात की चोरी हो गई, एक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें चोर की सामने आई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द चोर का पता लगा लिया जाएगा, क्योंकि चोर तस्वीरों में कैद भी हो चुका है। बड़े सावधानी से वो इधर उधर देखने के बाद बैग उठाता है और भाग जाता है। शिवम आ रहे ज्यादा जानकारी के लिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, क्या परिजन ये कह पाए कि ये कौन था, इसको पहचानते थे क्या? इसके बाद अब क्या पुलिस कह रही है, किस कब तक पहुंचेगी आरोपी तक? हाँ जी बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से लगातार ग्वालियर में ये शादियों के समारोह चल रहे हैं और उसमें लगातार जो है जो बच्चा चोर गैंग है वो भी सक्रिय हो चुका है और शादी में जाकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। बता दूं जिस सिरोल थाना क्षेत्र के गोल्डन लोटस गार्डन है वहां पर जाकर कल एक शादी समारोह था, वहां पर एक महिला का पर्स रखा हुआ था जिसमें 10 लाख रुपए लग तक के जेवर और नकदी थे। वो चोर ने उसको चुरा ले गया और सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई, जिसकी सब सूचना तत्काल पुलिस तक उन्होंने परिजनों दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल जो भी अज्ञात चोर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, चोर की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो बिल्कुल अब जुटी हुई है पुलिस, देखना होगा कब आरोपी गिरफ्त में आता है। बने रहिए आप हमारे साथ।